हो गया। Hey, good morning, Gohan. Oh, good morning, Videl. तुम भी लेट हो गई क्या? Gohan, सब खत्म। क्या मतलब है? क्लास तो अभी अभी शुरू हो रही है विडेल। क्लास को भूल जाओ। रुको, ये लो। वैसे बड़ा ही अजीब इत्तेफाक है। हाँ, मैंने सेयामैन को यही नाखून मारा था और तुम वही हो मिस्टर सेयामैन। बोल खुल गई। मुझे यकीन नहीं होता, अब सेयामैन की असलियत सबको पता चल गई है। आपके शहर का रखवाला मैं हूँ सेयामैन। अब तक तुम्हारी असलियत सिर्फ मैं ही जानती हूँ, सब नहीं जानते, पर मुझे लगता है कि सभी को जानने का हक है, तो मैं प्रेस वालों को खबर कर देती हूँ। नहीं, ऐसा मत करना। पता है, मैं अपनी असलियत इसलिए छुपाता हूँ ताकि अपने परिवार वालों के बारे में किसी को न बताऊँ। ये उनकी खातिर है, प्लीज विडेल। सच कह रहे हो? हाँ बिल्कुल। हे, और तुम ही वो गोल्डन फाइटर भी हो, है ना? नहीं, बस मैं सेयामैन हूँ। तुम पर क्यों यकीन करूं? उसके बाल लाल लाल है ना। हाँ ठीक कहा, वैसे वो तुमसे कहीं ज्यादा हैंडसम भी है। ठीक है, मैं तुम पर यकीन कर लेती हूँ, चलो मान लिया। विडेल, क्या कोई तरीका है जिससे कि तुम मेरा राज हम दोनों के बीच में ही रख सको? हाँ शायद, लेकिन बदले में तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। ओके, ये रही शर्त। अगर तुम वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में हिस्सा लोगे तो ही मैं तुम्हारा राज छुपाऊंगी। मैं टूर्नामेंट में हिस्सा लूं? हाँ बिल्कुल, मैं भी हिस्सा लेने वाली हूँ, पर वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने का मजा तब तक नहीं आएगा जब तक कि मुझे यकीन नहीं हो जाए कि दुनिया के सबसे महान योद्धा इसमें हिस्सा ले रहे हैं। मेरे डैड पिछले चैंपियन थे और उन्होंने मुझे बताया कि उनसे पहले किसी गोकू ने चैंपियनशिप जीती थी। अजीब बात है, मैंने उस गोकू पर थोड़ी रिसर्च की और मुझे पता चला कि उनका गोहान नाम का बेटा है, और फिर मैंने थोड़ा सा दिमाग लड़ाया और जाना कि तुम ही उनके बेटे हो। क्यों, मैंने ठीक कहा ना गोहान? हाँ मैं जानती थी, तुम एक नंबर के झूठे हो गोहान। तुम ही गोकू के बेटे हो, तुम्हारे चेहरे पर साफ लिखा है। वाओ, बहुत मजा आएगा। क्या मुकाबला होगा? भूतपूर्व चैंपियन की बेटी का मुकाबला भूतपूर्व चैंपियन के बेटे से होगा। तुम्हें सुनकर अच्छा नहीं लग रहा? नहीं बिल्कुल नहीं, हम कुछ और अच्छा काम क्यों नहीं करते, जैसे कि डेट पर जाना वगैरह। देखो, अगर तुम्हें मेरे साथ लड़ने से डर लग रहा है तो मत लड़ो, लेकिन फिर मैं सबको तुम्हारा राज बता दूंगी। क्या, तुम वाकई में बता दोगी? हाँ, सच तो सच ही है, तुम्हारा परिवार भी मेरे परिवार की तरह चमक दमक भरी जिंदगी का आदि हो सकता है। तुम ऐसा नहीं करोगी? आजमा कर देख लो। अच्छा ठीक है, मैं टूर्नामेंट में हिस्सा लूंगा। खुश हो जाओ, इस मुकाबले में बहुत मजा आएगा, बस तुम देखते जाओ। और हाँ, मेरा यकीन करो कि ये मुकाबला डेट पर जाने से कहीं ज्यादा मजेदार होगा। और एक शर्त है गोहान। कोई बड़ी शर्त नहीं है, मैं बस उड़ना चाहती हूँ। मुझे उड़ना सिखाना तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, है ना? नहीं, आसान है। ठीक है, हम फौरन इसकी शुरुआत करेंगे, फिर मिलते हैं। फिर से ब्लैकमेल हो गया, मैं ऐसा क्यों हूँ?